গার্ডেন উইথ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড নির্মিত নৌবাহিনীর জন্য টহলদারি জাহাজ সান্দায়ককে আজ জলে ভাসানো হল। জিআরএসির চারটি বড় টহলদারি জাহাজ তৈরি করবে, তার মধ্যে এটি প্রথম। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাটের পত্নী পুষ্পা ভাট আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এটা জলে ভাসালেন। বড় এই টহলদারি জাহাজটির উপকূল নজরদারির পাশাপাশি সমুদ্রতল পর্যবেক্ষণে নৌবাহিনীকে সহায়তা করবে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম মোতায়েনের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক এবং ভৌগোলিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত এই জাহাজ জিআরএসির সাফল্যে এক নতুন সংযোজন। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট বলেন, স্থল, নৌ এবং অন্তরীক্ষে দেশ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনে দেশের প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেশ উত্তরোত্তর আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। मैं इस अवसर पर इतना और कहना चाहूंगा कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 7 सालों में ऐतिहासिक काम कर चुके हैं हर क्षेत्र में। आपको पता होगा कि अटल टनल जो हमने बनाई है सिर्फ और सिर्फ आर्मी से 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन हम बचा रहे हैं। 7 करोड़ रुपए कुछ लोगों को कम लोगों को पता है, सिर्फ आर्मी सर्विसेज से जो हम जाते हैं, वरना 12 महीने वहां बर्फ गिरी रहती थी। एक से एक अच्छे काम आज हमारे हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी सीमाएं, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि जल में, थल में, नद में हम पूरी तरह से आज सुरक्षित हैं। और लगातार आपके चार तपस्या बल के तौर पर और हमको जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, उनकी वजह से हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हम आज हर क्षेत्र में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। एक बार्सर था और एक आज है। हर जगह पर, चाहे हमारी नौसेना है, हमारी वायुसेना है, हमारी थल सेना है, हर जगह पर चाक चौबंद है और हमारी सीमाएं बहुत ही सुरक्षित हैं। मैं अपने सारे जवानों को, अधिकारियों को, इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। जीआरएसी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अवसरप्राप्त रियर एडमिरल वीके सक्सेना अनुष्ठाने उपस्थित छिलेन।